हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सेलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मेरा बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है। मैंने कई चैप्टर आपको वन शॉट में करवाए और कई चैप्टर्स आपको वीडियोस देके करवाए हैं। तो आज मैं आपको करवाऊंगी कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी, मैं जितने चैप्टर्स के हो सके आज प्रोवाइड करूंगी। आप इनके आंसर खुद लिखना, और वरना अगर आपको आंसर चाहिए तो आप मेरे से पूछ भी सकते हो। वैसे इन सब के आंसर मेरी वीडियोस में मिल जाएंगे आपको। तो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस, काफी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाइए कि जो थोड़े डिफिकल्ट हो। देखो, सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन तो 1-2 सभी बच्चों को आते हैं, तो थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चंस हो। तो आज मैं अपने बच्चों की इस रिक्वेस्ट को कैसे ना मानूं, तो मैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस लाई हूं। सो लेट्स बिगिन विद दैट। देखो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, डू यू एग्री? बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, तुम इस बात को मानते हो? यस, ऑफ कोर्स हम मानते हैं। आप इसका रीजन दे देना हम क्यों मानते हैं। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में समथिंग अर्न करते हैं, कुछ हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। बिजनेस में भी हर बंदा बिजनेस करता है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए है, समझ गए? सेकंड, रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। कम से कम इसका हाफ हाफ पेज के आंसर लिखोगे बच्चों। रिस्क इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ बिजनेस। रिस्क बिजनेस का एसेंशियल एलिमेंट है, क्यों? वाई? क्योंकि मोर रिस्क मोर गेन, लेस रिस्क लेस गेन। तुमने ये बात सुनी होगी, आप लोगों ने बात सुनी होगी, मोर रिस्क मोर गेन एंड लेस रिस्क लेस गेन, पक्का सुनी होगी। तो इसी रीजन की वजह से। फिर अगला, नो बिजनेस इज रिस्क फ्री, तो पीछे वाले ही है। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस रिस्क एंड कॉजेस। आपको बिजनेस रिस्क क्या होती है उसकी डेफिनेशन देनी होती है, कॉजेस उसके कारण क्या दिखने होते हैं। देखो बच्चों, कभी भी जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल हो या कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसा नहीं होता कि वो आसमान से उतार के आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं। वो क्वेश्चन वही होता, कॉन्सेप्ट वही होता, बस बातों को घुमा देते हैं। आप जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है वो तो इस बात को समझ जाते हैं, जिनकी थोड़ी समझने में प्रॉब्लम होती है, मतलब मैं अगर बात कहूँ कि इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होती है, तो वो समझ नहीं पाता। अब इस क्वेश्चन में पूछा तो सिर्फ बिजनेस रिस्क का मीनिंग और कॉजेज है, वो डायरेक्ट लिखते थे तो भी कोई बात नहीं थी, उन्होंने थोड़ा घुमा के लिख दिया, तो बच्चे डर जाते हैं। दैट इज रॉन्ग डियर। ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, लर्न एवरीथिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न द थियोरी, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरीथिंग, एंड देन आफ्टर वर्ड्स यू कैन बी एबल टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो। एंड मीन माई वर्ड्स, इन द एग्जामिनेशन सच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल ओनली कम, मीन माई वर्ड्स। चलो कोई बात नहीं, आप एक्सीलेंटीज हो, एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस के स्टूडेंट हो, डरने की तो आपको कोई बात है ही नहीं। आप बिजनेस शुड हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस। बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कौन कौन से बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपको बताने, ठीक है? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट, अर्निंग ऑफ प्रॉफिट इज रिगार्डेड एज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस, एक्सप्लेन बाय गिविंग एनी 4 रीजन। मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट आपको लिखना है कि प्रॉफिट अर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है एक बिजनेस के लिए, यू हैव टू राइट डाउन दिस। 6, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैन नॉट बी द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। सिर्फ प्रॉफिट को बढ़ावा देना है, प्रॉफिट को इंक्रीज करना है, एक कंपनी का सोल एम नहीं हो सकता, ओनली एम नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी एम्स होते हैं, वो क्या क्या होता है, यू हैव टू राइट इट। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जैसे ही है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस इज कम्पोज ऑफ बोथ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। जो हमारे बिजनेस का स्ट्रक्चर होता है वो इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों को मिला के होते हैं, तो आपको इंडस्ट्री अलग से डिफाइन कर देना, कॉमर्स अलग से डिफाइन कर देना, इन दोनों का रिलेशन डिफाइन कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स? तो फर्स्ट चैप्टर के हॉट्स समझ आ गए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। अब हम सेकंड चैप्टर के चैप्टर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हॉट्स क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट, ये चैप्टर 2 के स्टूडेंट्स। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट वन मैन इज बिग इनफ टू मैनेज एवरीथिंग, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। ये मैंने आपको वीडियोस में ऑलरेडी आपको कोटेशन बता रखे, वन मैन कंट्रोल बोले तो सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट पार्ट होती है आपकी कंपनी का, लेकिन अगर वो सोल पर्सन, अकेला पर्सन सब एक्टिविटीज को मैनेज करने में हेल्पफुल हो तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप को डिफाइन करना है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन, इट इज रॉन्ग टू एसर्ट दैट द इंडिविजुअल ओनरशिप इज रैलिक टू द बारबेरिक एज कमेंट। ये कहना बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, ये कहना बहुत मुश्किल है कि जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है यानी इंडिविजुअल ओनरशिप, जब भी हमारी कहीं पे भी इंडिविजुअल ओनरशिप आ जाए यानी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप,
तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है रिलेक्ट टू द बार्बिक एज, बार्बिक एज यानी हिस्टोरिक एज, कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप हमारा इंडिविजुअल बिजनेस सिस्टम है वो बार्बेरिक एज यानी हमारी हिस्ट्री से चलता आ रहा है, ऐसा कहना गलत नहीं है। तो आप ये लिखोगे यस इट इज एब्सोल्युटली राइट कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल बिजनेस होता है वो हमारा पुराने जमाने से चलता आ रहा है, बल्कि ये जो पार्टनरशिप कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सारे तो अब आए हैं, लेकिन ये जो हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप है ये हमारा शुरुआत से ही चलता आ रहा है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो दोनों में फर्स्ट और सेकंड में एक ही बात करनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप को अच्छे से डिफाइन करना। थर्ड, द प्रिजर्वेशन ऑफ सिंगल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स द प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिंग मोटिवेशन वाइड स्प्रेड ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्री। डू यू एग्री? गिव थ्री फोर रीजन रिगार्डिंग योर आंसर्स। आपको इस देखो फर्स्ट और सेकंड में तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग बताना है और थर्ड में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स बताने हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बट एग्जाम्स में ऑफ कोर्स मैं तो आपके साथ नहीं होंगी तो आपको खुद समझना पड़ेगा। बस लैंग्वेज समझो, इंक्रीज एनहेंस योर रीडिंग स्किल्स, अपने इंग्लिश समझने की पावर को इंक्रीज करो, देन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। द स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन में और सेकेंड क्वेश्चन में सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग बताना है और थर्ड क्वेश्चन में सोल प्रोप्राइटरशिप के मैरिट्स बताने हैं। चलो आगे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, एन एंटरप्रेन्योर हैज डेवलप्ड अ न्यू प्रोडक्ट एंड डज नॉट वांट टू शेयर बिजनेस सीक्रेट्स विद एनीबॉडी, शुड ही एंटर इन अ पार्टनरशिप विद समबडी रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस, व्हाई? एक पर्सन है एंटरप्रेन्योर, हु इज एन एंटरप्रेन्योर स्टूडेंट्स? एंटरप्रेन्योर इज द ओनर। एक ओनर है जिसको अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है बट उसे अपनी जो एक्टिविटीज होती है वो सीक्रेट रखनी है। सीक्रेट मतलब अपनी एक्टिविटीज को नहीं बताना किसी से। हर बंदे की अपनी सीक्रेसी पॉलिसी होती है, कई लोग अपने व्यूज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कई लोग नहीं चाहते शेयर करना। तो क्या वो पार्टनरशिप की कंपनी में जा सकते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे पैसा मिलेगा उससे? आप कह सकते हो, आप अपने व्यूज लिख सकते हो, यस भी आप लिख सकते हो कि हाँ भाई अगर उसे पैसे चाहिए तो वो पार्टनरशिप में जा सकता है, और आप नो भी लिख सकते हो कि अगर उसे अपनी सीक्रेसी लेवल मेंटेन करनी है तो पार्टनरशिप ये सिंगल ओनर उसके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वॉट एवर योर व्यूज, हॉट्स का बेनिफिट यही होता है आपको जो आपके दिमाग में जो आपकी व्यूज है जो आप सोचते हो क्वेश्चन के बारे में आप वो लिख सकते हो। ओके फिर फिफ्थ, द बिजनेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर इज एक्सपेंडिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप का देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यही आ रहा है, इसका बिजनेस बढ़ रहा है। शुड ही अपॉइंट अ मैनेजर और एडमिट अ पार्टनर इन टू द बिजनेस, क्या वो अपनी पार्टनर को एक इंक्लूड कर सकता है अपने बिजनेस में? मतलब क्या वो सोल प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप बन सकता है? हाँ बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। आप एक मेंबर को ले लो, वो मेंबर कोई भी हो, और उसके आपको थ्री रीजंस देने हैं कि किन किन रीजंस की वजह से, मतलब अगर सीधे सरल शब्दों में बात करूं तो पार्टनरशिप के तीन मेरिट्स लिखने हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म इज नॉट कंपलसरी बट इट इज बेनिफिशियल, गिव टू रीजन इन सपोर्ट योर आंसर। मतलब मैंने आपको बताया था कि कोई पार्टनरशिप एक्ट जो है वो ये कंपलसरी नहीं करती कि आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करो ही करो, लेकिन आप अगर उसे रजिस्टर कर सकते हो तो कर लो, तो आपके पास कुछ अलग बेनिफिट्स होते हैं। तो आपको ये बताने कि कौन से वो बेनिफिट्स होते हैं जो आप अपने अगर रजिस्टर्ड फर्म को, वो बेनिफिट्स जो आपकी रजिस्टर्ड फर्म अवेल करती है और जो दूसरी फर्म्स अवेल नहीं करती। अवेल मतलब गेट। सेवन्थ, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विद परपेचुअल एसोसिएशन एंड कॉमन सील। कितनी अच्छी बात है, उसमें कंपनी की पूरी डेफिनेशन खुद ही लिखी हुई है, आपको बस एक्सप्लेन करना है, थोड़े से पॉइंट और चार पांच पॉइंट लिख देना कंपनी से रिलेटेड, जैसे कंपनी के टाइप्स लिख देना, कंपनी के पेड अप कैपिटल लिख देना, कंपनी के दो चार फीचर्स लिख देना, बाकी डेफिनेशन तो खुद ही गिवन है। एट, अ प्राइवेट कंपनी इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन पार्टनरशिप एंड पब्लिक कंपनी। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पार्टनरशिप यानी जो सिंपल दो या दो से ज्यादा लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका रिलेशन, और पब्लिक कंपनी का रिलेशन होते हैं एक दूसरे के साथ। वाई, क्यों, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नाइन्थ, अ प्राइवेट कंपनी इज अ सुपीरियर टू अ पब्लिक कंपनी। एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से सुपीरियर होती है, क्यों? मीन्स एडवांटेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी आपको देने जो पब्लिक कंपनी के नहीं होते। गिव द प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी, आप कह सकते हो जल्दी फॉर्म होती है, रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता, मतलब रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट तो होता है बट ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं होते, कॉम्प्लेक्स नहीं होती, लेस रिस्की होती है, इजिली पेडअप कैपिटल होती है, इजिली फॉर्म्ड होती है, आप ये सब लिख सकते हो। टेंथ, आप प्राइवेट कंपनी हैज अ सर्टेन डिस्ट्रिक्ट फीचर्स एज कम्पेयर टू अ पब्लिक कंपनी। ये तीनों में एक ही बात चल रही है, प्राइवेट कंपनी के मेरिट्स। एट नाइन टेन में आप प्राइवेट कंपनी और उसके मेरिट्स लिख देना।
11, you have been asked to assist in the corporation of a company. State the major document will you prepare for this purpose. आपको एक कंपनी में पार्ट करना है, कंपनी खोलनी है, इनकॉर्पोरेट करना है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? दो डॉक्यूमेंट होते हैं, एमओए और एओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब देखो बच्चों, कई लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो कोविड की वजह से सिलेबस कटा है 30%, कई बच्चे कह रहे हैं कि एमओए और एओए नहीं है सिलेबस में। बट स्टूडेंट्स, कभी भी मैंने आपको हमेशा बताया, मैंने कटे हुए सिलेबस पे, डिलीटेड सिलेबस पे बिलीव ही नहीं किया। मैंने आपको 1-12 सब चीजें करवाई है, बिकॉज मुझे आपको वेल वर्स्ट वेल नॉलेजेबल पर्सन बनाना है। मुझे आपको सिर्फ 11 से कोई मतलब नहीं है। तो मैंने तो आपको कई बार अपनी वीडियोस में ही एक्सप्लेन किया, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। और अगर आपको बिल्कुल ही डिलीटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना, देन नो प्रॉब्लम, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये हमारे हॉट्स क्वेश्चन चैप्टर 2 के थे। मैंने आज आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के हॉट्स क्वेश्चन बताए हैं, एंड आई होपफुली सो आपको समझ भी आ गए होंगे, एक्सप्लेन भी कर दिया। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना, इनके आंसर्स अपनी कॉपी में लिखना। और इनके बावजूद भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट होता है या कोई ऐसा क्वेश्चन होता है, कोई पॉइंट आता है, ना कि इस बुक का, किसी भी बुक से रिलेटेड, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी टॉपिक, देन यू कैन आस्क मी एनी टाइम। चलो ओके माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।